गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर हमारी पैकिंग हो चुकी है शुरू। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आप लोगों को मैं बहुत जल्दी बताऊंगी। तो बच्चों के कपड़े यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ और ये लगेज तैयार हो रहा है। और ये तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि कहीं घूमने लायक जगह में चीज़ें महंगी मिलती है, तो हम दिल्ली से लेकर जा रहे हैं ये सब चीज़ें। जैसे सुबह सुबह चाय पीते हैं, दिन में चाय पीते हैं, तो ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है वहाँ पर जाके। तो हमने यहीं से रख लिए हैं और हर हमेशा हम जब भी जाते हैं घूमने के लिए ये चीज़ें ज़रूर रख लेते हैं अपने बैग के अंदर। तो यहाँ पर बैग पैक हो चुका है, ये देखिए, ये मेरा और हस्बैंड जी का है। और इधर ये दोनों दोनों नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा बैग बच्चों का है। तो यहाँ पर बाबू खा रही है खाना, यानी कि नाश्ता कर रहे हैं हम लोग अभी, मिलते हैं जाते समय। यस, तो यहाँ पे बैग तैयार है और बाबू भी तैयार हो चुके हैं। हेयर स्टाइल दिखाना। बस गाइस, जल्दीबाजी में मैंने ये बना दिया है इसका। और ये हमारा लगेज तैयार हो गया है और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए, यहाँ पर खाना भी तैयार हो चुका है, सब रेडी हो चुके हैं हम लोग। तो चलिए, शुभ जर्नी, जय श्री राम। और मैं यहाँ पर ताला वाला सेट कर देती हूँ, सारे नीचे जा चुके हैं। गाइज, यहाँ पे बोर्डिंग पास हो रहा है। तो गाइज, हमारी फ्लाइट लेट हो चुकी है और फ्लाइट उड़ेगी कितने बजे? 7:45 बजे। और जहाँ हमने पहुँचना है कितने बजे पहुँचेंगे? 10 नहीं, 1 घंटा 2 घंटे का रास्ता थोड़ी होगा। नहीं, 9 बजे पहुँच जाएंगे। 9 बजे पहुँच जाएंगे। और बेल्ट सब निकाल दें। हाँ, बेल्ट सब रखना है। गाइस, मेरा कैमरा पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, ये भी रख। तो गाइस, यहाँ पर बोर्डिंग पास हो चुकी है। गाइज, अभी हमने कुछ खा लेते हैं यहाँ पर, और अभी बहुत टाइम है फ्लाइट में बैठने के लिए। 9 बजे उड़ेगी। आप कब बैठे थे फ्लाइट में पहली बार? जब मैं जलंधर जा रही थी, आज छोटी सी थी, आप 2.5 साल की थी। और जब एक बार जब हम गोवा जा रहे, मेरी फर्स्ट फ्लाइट 2013 की थी। गाइज, अभी कोलकाता, अमृतसर, चंडीगढ़ और हैदराबाद वाले जा रहे हैं। अहमदाबाद, पटना, चेन्नई, और इसके बाद लगेंगी हमारी यहाँ के लिए सरप्राइज। वो उतर के बताऊंगी। गाइस, बहुत देर हो चुकी है और अभी काना को खाना है कुछ, तो उसको खिला देते हैं हम। वैसे फ्लैट में खाना तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ खिला देते हैं उसको, परेशान कर रहा है काना।
गाइस उधर देखिए लोग टाइम पास कर रहे हैं, गाना वाना सब गा रहे हैं, उधर बोर हो चुका है सब। इतना बेकार एक्सपीरियंस अब की बार, इतना गंदा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं, जब भी हम फ्लाइट से गए होंगे ना कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया। सुबह 11 बजे के आए हुए हैं हम और हर फ्लाइट डिले हो रही है आज की, मतलब 9 तारीख की हर फ्लाइट डिले हो रही है। और जैसे कि आप लोगों, हाँ सीज़न की वजह से मौसम भी ख़राब है, और मतलब 9-10 बार का मैं बैठ चुकी हूँ लेकिन आज तक इतना गंदा एक्सपीरियंस है मेरे को कभी नहीं रहा। उधर ना लोग टाइम पास कर रहे हो, उधर पीछे दिख रहा होगा ना आप लोग। हाँ सो गाइस अभी हमारा बोर्डिंग टाइम शुरू हो चुका है तो अभी हम चलते हैं। देखिए हम श्रीनगर की बाहर रहे, हमारी का है, हमारी भी अभी दिखाएंगे, ये रहा सबसे नीचे उदयपुर। और ये इधर पता नहीं कौन सी खड़ी हो रखी है, ये भी जाने वाली है अभी, वो इंडिगो, वो इंडिगो की है और हम पीछे वाले गेट से जाएंगे। चेकिंग हो रही है यहाँ पे, आप फर्स्ट नहीं करेंगे। मैं बैठ जाऊँ इधर, इधर बैठ, इधर बैठ जाए, नहीं कोई बात नहीं, विंडो पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गाइस अभी हम बैठ चुके हैं, कितने बजे उड़ान भरेगी ये? 8:45 पे उड़ान भरेगी। हाँ कोविड के कारण भी, और फिर कल जो हादसा हुआ है शायद उसके कारण भी, कल जो हादसा हुआ है थोड़ी सी सताई हुई है। अरे तो ध्यान जी यहाँ पर अपने सीट बेल्ट बांध दे, सीट बेल्ट बांधो। कौन है आपका वो लाना? ये पानी की बोतल में है, अभी मैं इसको कर दूँगी। देखिए गाइस मेरे साथ शर्मिन और आपका अपने स्पाइस क्लब मेंबर्स का स्पेशल राइड है 339 पर स्वागत करते हैं। दिल्ली से उदयपुर तक की दूरी 1 घंटे में पूरी की जाएगी। इस फ्लाइट पर आज हमारे साथ है कैप्टन प्रदीप कुमार और फर्स्ट ऑफिसर राजेश मोहन। आपके कैबिन टीम में संदिग्धा बिनोटा रश्मि है और मैं सहेली आपकी सीनियर कैबिन क्रू हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस फ्लाइट के क्रू COVID-19 के लिए वैक्सीनेटेड है, अब आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए यहाँ मौजूद है। लेकिन आपसे निवेदन है सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में मदद करें, जब तक जरूरी ना हो अपनी सीट पर ही बैठे रहे। सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और DGCA के निर्देशों के अनुसार पूरी फ्लाइट के दौरान कृपया अपने नाक और मुंह को ढकते हुए अपना मास्क ठीक से पहने रखें। इन निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद। कुर्सी पर बैठ रहे आप क्या? अभी लैंड हो रहा है, अब उतरना है। उतरना है।
गाइस अभी थोड़ी देर में लैंडिंग होने वाली है, 5 मिनट अभी चल रही है, अभी चल रही है, अभी चल रही है, अभी लैंड नहीं हो रहा, नहीं अभी थोड़ी देर में। गाइस बाबू की सीट उस तरफ है, हम तीनों इधर है और वो उधर है लास्ट में। आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। अपनी सुरक्षा के लिए कैप्टन के सीपल साइन बंद करने तक अपनी कुर्सी पर भी बैठ रहे हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं, रेट चल रहे हैं। हाँ 2 नंबर में अभी लगेज आएगा, फिर निकलेंगे होटल के लिए। राघव लगेज है क्या? कान सुन हो रखे है ना मम्मा, कान सुन। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं झीलों की नगरी और राजा महाराजाओं की नगरी राजस्थान उदयपुर में। तो वेलकम टू उदयपुर, वेलकम मी उदयपुर। तो फ्रेंड्स ये है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर और हम झीलों की नगरी उदयपुर पहुंच चुके हैं। हमारी तो वेलकम टू सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर गाइज, वेलकम टू यू इन सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। ओके अभी हम चलते हैं बाहर। गाइज अभी ध्यानी जी जा रखे हैं टैक्सी के लिए और टैक्सी करेंगे मेन सिटी में, मतलब जहाँ पे सिटी पैलेस और पिछोला लेक है वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ पे देखते हैं होटल। ऑनलाइन वैसे बुक करा रखा है, अगर हमें ठीक लगा तो ठीक है और नहीं तो उसको चेंज कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ से निकले तो सही। तो बहुत ठंड है दिल्ली के, मतलब दिल्ली से ज़्यादा ठंड है राजस्थान में। राजस्थान में दिन में नहीं होती ये ठंड, सुबह और शाम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो दिल्ली में इतनी नियर राजस्थान में तो बिल्कुल हमारे उत्तराखंड जैसी वाली ठंड है इस समय। यार बैग रख लो यार, ये गोद ना बैठ मेरे, ये बैग रखो यार, सुनो बैग रखो, इस जयपुर गुड में आता है चलो तुम। गाइस अभी हम निकल रहे हैं होटल के लिए। अच्छा बाथरूम कैसा है? यार बच्चे है तो ऐसा ऐसा बेड कैसे भरेगा बच्चों के लिए? ये पीछे व्यू है क्या? पीछे तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक रूम छोटा। अरे ये वाला रूम तो थोड़ा खास नहीं लगा, देखते हैं चलो मिलता है या नहीं, भैया दिखा रहे हैं। गाइस रात के 11 बज चुके हैं और फाइनली हमें यही वाला रूम सेलेक्ट करना पड़ा। ये देखिए इसका मैं टूर कल दूंगी आप लोगों को कि कैसा है क्या है, बिल्कुल नीचे का है। और कल उन्होंने कह रखा है कि हम आपको स्वीट वाला रूम देंगे, तो पता नहीं कैसा स्वीट वाला रूम है वो, बाकी ये सब है। तो चलिए अभी मजबूरी में हमें यही लेना पड़ा। और फ्रेंड्स अभी हम सोने की तैयारी कर रहे थे तो अभी देखा मैं कल रात को जो खबर आई है ना, पूरा हमारी तीनों सेनाएं अनाथ हो गई हैं और हमारे जो जनरल बिपिन रावत थे वो इस दुनिया से चले गए और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्या करें, वो दुख इतना बड़ा दुख है ना पूरे देश के लिए कि उस दुख का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाता उन पे, इतने जंबाज निर्भीक निडर, इतने जंबाज अफसर, 20 साल की उम्र में वो सेना में भर्ती हो गए थे और कितने सारे उनको मेडल मिले थे, तो अब हमारे बीच नहीं रहे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर अपने श्री चरणों में जो भी उस हेलीकॉप्टर में बैठे थे उनको सबको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और बहुत ज़्यादा मन खराब था, इतना ज़्यादा मन खराब था ना कल से ही, पर क्या करें हमारी कल की फ्लाइट थी, अगर बस ट्रेन की होती तो इतना ज़्यादा मैं सैड हो गई थी ना कि मैं एक दो दिन टाल देती। हमारी जो पूरी आर्मी है, तीनों सेनाओं की आर्मी है, वो शेर है, हमेशा शेर की तरह जिए हैं, बस इससे ज़्यादा
मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा है और ना मेरी समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। बस इतना बोलती हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और हमारी तीनों सेनाओं को इतना मजबूत बनाए, इतना मजबूत बनाए, और बहुत से ऐसे ही जंबाज अफसर हमारे पैदा होंगे और हैं हमारे। तो चलिए बस मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।